हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम लाइफ। तो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में घंटी को ज़रूर दबाएं। तो आज मेरे हाथ में है ये, आपको थंबनेल देखकर तो पता चल गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में जो है वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो लर्निंग लाइसेंस, ये देखिए मेरा लर्नर लाइसेंस जो है आया हुआ था, तो गौर से देख लीजिए। तो इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि कैसे ये मिलता है और इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए। क्योंकि ये आपको कब मिलता है, जब आपकी हरियाणा के अंदर की बात करता हूँ मैं, और बहुत सी जगह पर यह है, राजस्थान में ऐसा नहीं है लेकिन हरियाणा और भी क्षेत्र है जहाँ पे ऐसा ये है संभव। तो जब ये हमें मिलता है लर्नर लाइसेंस, और ये क्यों मिलता है, जब हम ट्रेनिंग देते हैं उससे 35 दिन पहले, जब हम RTO ऑफिस से फीस कटवा कर आते हैं, तो इस पे लिखा हुआ है कि 600 रुपये का जो फीस कटवाया था उसके बारे में, और ये इस पे क्या क्या लिखा होता है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले इस पर क्या लिखा हुआ, देखिए लाइसेंस नंबर, ये जो है आपको सीक्रेट रखना चाहिए, किसी से नहीं बताना चाहिए। तो उसके बाद मेरा नाम बता देता हूँ, नाम लिखा हुआ है प्रदीप, और फादर नेम और जो एड्रेस है वो, और परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, और जो ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर या पार्ट पे कोई मार्क है वो इसमें डालना पड़ता है। होल्डर सिग्नेचर, यहाँ पे मेरा होल्डर और फोटो है जो वो सिग्नेचर हुआ है। अब इसके बाद लिखा हुआ है इज लाइसेंस टू ड्राइव थ्रूआउट इंडिया एज ए लर्नर सब्जेक्ट टू द प्रोविंस ऑफ Rule 3 ऑफ द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989, ए मोटर व्हीकल ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, ट्रांस PSVVUS। तो देखिए, ये हमें लर्नर काट के देते हैं जो भी RTO वाले, तो वो हमारा एक ही लेते हैं, वो जो हमारा होता है एफिडेविट भरवा के लेते हैं कि अगर ट्रेनिंग के दौरान बच्चा कोई हादसा करता है या कर्मचारी कोई हादसा करता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, या शीशा टूटता है, गिलास टूटता है, कुछ भी टूटता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद को मानेगा और उसे ही उसका दंड भरना पड़ेगा, न कि किसी कर्मचारी पर ये जो है आरोप थोपा जाएगा कि कह दे भाई मेरा, उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है इस दौरान अगर ये गलती कुछ करता है। तो उसको एफिडेविट में लिखा दिया जाता है सभी चीज़ें सरकार द्वारा कि अगर ये गलती कुछ करता है तो इसका जिम्मेदारी खुद होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा होता है, द होल्डर ऑफ द लाइसेंस हैज पास्ड द प्रिलिमिनरी लेस रेफर्ड टू इन रूल 11(1) ऑफ द CMV रूल्स 1989, कि ये जब पास कर लेगा तो ये रेफर हो जाएगा दोबारा, ये लगाकर हमें जो है भेजना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट्स के साथ जब हमारा लाइसेंस आता है। तो ये 1989 के 11(11) कानून के खिलाफ तहत है। और जो लास्ट इसमें शर्त है वो द होल्डर ऑफ द लाइसेंस हैज एग्जेम्प्टेड द मेडिकल टेस्ट अंडर Rule 6 एंड फ्रॉम द प्राइमरी टेस्ट अंडर Rule 11 टू ऑफ द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989। तो ये सभी रूल जो है उसी के अंतर्गत आते हैं 1989 के, और इसमें लिखा हुआ है कि इसका मेडिकल टेस्ट है जो हमने कर लिया है, और आज की ही तारीख का मेडिकल टेस्ट है, ना ही हमने 6 महीने पहले का लिया है, ना कोई पुराना मेडिकल टेस्ट है। तो ये तीनों चीज़ें जब RTO ऑफिस से ये लर्नर काट के देता है तो उसके अंदर हमें ये तीनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक हमारा जो है एफिडेविट, एक मेडिकल, और जो हमारी शर्तें हैं वो है ही, और दिस वैलिड इज दिस लाइसेंस इज़ वैलिड। तो ये मैं ज़्यादा टाइम का नहीं बता रहा हूँ, अभी फ़िलहाल का मैंने कटवाया है, तो 1 महीना या 1.5 महीना हुआ है इसको, 1.5 महीने करीब हुआ है। तो इसकी वैलिड तारीख है 26/11/2019 से लेकर 25/5/2020 तक, और लाइसेंस अथॉरिटी देते हैं RTO रेवाड़ी TR ट्रांसपोर्ट, या फिर ट्रांसपोर्ट ही होगा PK जो है, और नीचे की जो वार्निंग, इसमें आपको वार्निंग भी लिखी हुई है कि ये वार्निंग आपको दे रखी है, द अटेंशन ऑफ द होल्डर ऑफ दिस लाइसेंस इज ड्राउन टू Rule 3 ऑफ CMV रूल्स 1984 विच प्रोहिबिट्स हिम फ्रॉम ड्राइविंग एनी मोटर व्हीकल रूल्स अनलेस
ही हैज़ बेस्टाइज हिम ए पर्सनल ड्यूटी डेली लाइसेंस ऑफ ड्राइव व्हीकल एंड दी एवरी केस द व्हीकल कैरियर एल प्लेट्स बोथ इन फ्रंट एंड दी रियल ऑफ दी व्हीकल। तो देखिए इसमें ये वार्निंग दे रखी है कि आपको रेगुलर अनॉगर और ये जो है एल आगे लिखा होता है बस के और पीछे भी लिखा हुआ होता है, तो ये लर्नर लाइसेंस होता है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है लर्नर लाइसेंस ये होता है। ये मुझे क्यों मिला था, जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो उससे पहले आपको मिलता है और तभी आप ये इसके द्वारा ही आपकी फ़ीस कटी जा दी जाती है। जो भी लाइसेंस की फ़ीस लगती है 3500 रुपये, 1500 रुपये, SC ST या अदर कास्ट की कुछ अलग फीसें होती है। तो वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, के लिए जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।